हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, इस वीडियो को मिस ना करें। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टूल बॉक्स स्टॉक कैसे दिया जाता है, टूल बॉक्स स्टॉक देने का टेक्निक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टूल बॉक्स स्टॉक कैसे दिया जाता है। और आज का जो टॉपिक है वो है हॉट वर्क। हॉट वर्क पे आपको जब कभी टूल बॉक्स स्टॉक देना हो तो आप कैसे देंगे, उसके बारे में हम लोग डीपली जानने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। कितने आदमी हैं जो वेल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं? बिल्डर हो? बस तुम ही? किसका आदमी है? ओ, उसमें रघुवीर का। रघुवीर यादव का है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप गए थे ना इंडक्शन में। बेसिकली देखिए, जो नॉर्मल चीज़ होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई टीवीटी में आपको कोई बताया है। अब क्लाइंट आपसे पूछ रहा है आप इंडक्शन में गए हैं, आपको हॉट वर्क पता नहीं है, हॉट वर्क क्या होता है, हॉट वर्क में खतरा क्या होता है, ये बेसिक चीज़ आपको पता नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, हॉट वर्क क्या होता है पता है? देखिए, कोई भी ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं जिसमें क्या हो, हीट प्रोड्यूस होता हो, स्पार्क प्रोड्यूस होता हो, ठीक है ना, वो क्या है, हॉट वर्क के कैटेगरी में आता है। तो क्या क्या होता है हॉट वर्क? जैसे आप लोग वेल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ये सब क्या है, हॉट वर्क है। इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है ना, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, इससे आग लगने का चांस होता है ना, ये क्या है, हॉट वर्क है। तो ये चीज़ सभी को पता है, अब आप बता सकते हैं ना हॉट वर्क क्या होता है। कोई ऐसा काम जिसमें क्या होता है, आग लगने का संभावना होता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, हॉट वर्क होता है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, खतरा क्या क्या होता है हॉट वर्क में, बताइए तो आप लोग जिसको पता है, क्या होता है इसमें खतरा हॉट वर्क में? पहली बात तो क्या होता है, इसमें आग लगने का चांस होता है, ठीक है ना। क्या होता है हॉट वर्क में, मैक्सिमम क्या होता है, आग लगने का चांस होता है, यानी फायर हजार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय होना चाहिए, जहाँ कहीं आप लोग हॉट वर्क का काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई भी जलने वाला मटेरियल हो, कम्बस्टिबल मटेरियल हो, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है ना, पेपर हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई बोरी हो गया, अगर उस तरह का मटेरियल अगर आपके हॉट वर्क के नज़दीक है, पास है, तो उसे आप लोग क्या करेंगे, उस जगह से आप हटा देंगे उसको। ये नहीं कि वहाँ वो पड़ा है और वहीं पे आप लोग कटिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हजार्ड उपलब्ध है वहाँ पर, तो निश्चित है फायर होगा। तो उसको क्या करना है, आपको उस कम्बस्टिबल मटेरियल को आपके वर्क प्लेस से उसको दूर कर देना है, ताकि किसी भी तरह का कोई फायर हजार्ड ना हो। दूसरी बात, आप लोग कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से करते हैं आप लोग, करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, शॉक लगने का चांस होता है। शॉक क्यों लगता है भाई? क्योंकि जो भी कटिंग टूल्स का जो आपका क्या बोलते हैं केबल होता है, वो क्या लीकेज अगर उसमें हो, ठीक है, अगर उसमें लीकेज हो तो बाय द चांस क्या होता है, अगर किसी को नहीं दिखा उसके संपर्क में आ जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, यानी शॉक लग जाएगा उसको, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर उस तरह का आप कंडीशन देखते हैं तो अपने इलेक्ट्रिशियन को तुरंत इन्फॉर्म करें कि सर, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, हॉट वर्क कर रहा हूँ, उसका जो केबल है वो क्या है, इंसुलेटेड नहीं है, लीकेज है उसमें, ठीक है, आप लोग करेंगे ना। उसके बाद देखिए क्या होता है, कोई भी आप काम करते हैं हॉट वर्क का, तो क्या होता है, केबल आप लोग इधर उधर फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना,
किसी का केबल उधर है, किसी का ग्राइंडिंग का केबल उधर है, कटिंग टूल्स का केबल उधर है, ठीक है ना, वेल्डिंग केबल उधर है, तो क्या होगा, आप प्रॉपर अरेंजमेंट जब तक नहीं करेंगे केबल का, तो क्या होगा, कोई भी उसमें फंस के गिर सकता है, उसको इंजरी हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, कोई भी वेल्डिंग केबल है, कटिंग टूल्स केबल है, तो उसको क्या करना है, पूरी तरह से केबल अरेंजमेंट आपको करना है। ये नहीं कि किसी भी तरह कोई भी कंडीशन में पड़ा है केबल, आप लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो क्या आप लोग ही उसके संपर्क में आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, केबल अरेंजमेंट करना है वहाँ पे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने क्या इलेक्ट्रिशियन से बोलिए, ठीक है। उसके बाद जो आप वेल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है उसमें से। किसी भी मेटल को आप लोग काटते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है ना, बहुत भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जिस सरफेस को आप लोग कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं या फिर वेल्डिंग करते हैं, वो क्या होता है, उसमें हीट होता है, ठीक है। तो उसको क्या आप लोग रेयर हैंड से यानी खाली हैंड से कभी भी छूने का प्रयास न करेंगे, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर हैंड ग्लव्स होना चाहिए। जब भी आप कटिंग करें, वेल्डिंग करें, ग्राइंडिंग करें, तो आपके पास प्रॉपर हैंड ग्लव्स होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसी फायर हजार्ड के चांसेस में क्या होता है, कब होता है वो, अगर आपके पास ये क्या बोलते हैं प्रॉपर पीपीज नहीं है, एप्रोन अगर आप नहीं पहने हैं, ठीक है। बहुत से लोग हम देख रहे हैं बिना एप्रोन का वो क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या आप लोग की गलती है, ठीक है। तो कोई भी खतरा है उससे बचने का उपाय भी आप लोग को सोचना चाहिए, समझे ना। देखते हैं बारिश होता है तो हम लोग के मन में क्या आता है, पहली बात क्या आता है हम लोग के मन में कि बारिश हो रहा है, अगर हम बाहर निकलेंगे तो भीग जाएंगे, सभी सोचते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग उपाय क्या सोचते हैं कि अगर मेरे पास छाता रहता तो मैं आराम से चल जाता, उपाय है ना। तो यही आप लोग यहाँ क्यों नहीं सोचते हैं, आप लोग कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो ये आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि यार मैं कटिंग कर रहा हूँ, एप्रोन नहीं पहना हूँ, कुछ हो जाएगा हमें, ठीक है ना। तो आप लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे, समझे। उसके बाद क्या होता है, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो भारी मात्रा में क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस, फ्यूम्स प्रोड्यूस, क्या होते हैं, प्रोड्यूस होता है, धुआं जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोड्यूस होता है ना, निकलता है ना। तो वो क्या होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप उसको इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, आपके फेफड़े में वो प्रॉब्लम कर सकता है, समझे ना। वो क्या आपके फेफड़े में प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसके लिए आप जब भी आप वो करें, वेल्डिंग करें, कटिंग करें, तो क्या आपके पास प्रॉपर फेस शील्ड होना चाहिए, प्रॉपर मास्क होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी फ्यूम्स हो वो आप अपने अंदर इनहेल ना करें, समझे ना। उसके बाद बहुत से लोग देख रहे हैं कि क्या अगर वेल्डिंग कटिंग हो रहा है तो वो रेयर आई से देख रहे हैं उसको, अगला पर्सन क्या, अगला बंदा वेल्डिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, और जो वहाँ खा रहा है उसको देख रहा है, खाली आँख से उसको देख रहा है, और उसके थोड़ा देर बाद वो पता चल रहा है कि सर थोड़ा सा ड्रॉप डाल दीजिए, आँख बहुत जलन कर रहा है। तो जलन किस लिए कर रहा है, वही कारण है कि अगला क्या कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, आप उसको खाली आँख से देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपको, आई इरिटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग डिजीज नहीं है, ये कुछ समय के लिए होता है, 24-47 घंटा आप ड्रॉप डालेंगे, उसका ट्रीटमेंट होगा, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बार बार आप उसको देखेंगे, बार बार उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, तो वो लॉन्ग डिजीज के रूप में आपको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो जो पर्सन कटिंग वेल्डिंग कर रहे हैं उनके पास क्या प्रॉपर फेस शील्ड होनी चाहिए या फिर प्रॉपर गॉगल्स होनी चाहिए, और जो पर्सन वहाँ खड़ा है, ठीक है, चाहे वो फायर वॉचर के रूप में खड़ा हो या फिर हेल्पर के रूप में खड़ा हो, वो खाली आँख से उसको कभी नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे ना, बोलिए। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी काम करे, हॉट वर्क का काम बहुत रिक्सी होता है भाई, जो लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं वही उसको सही तरीके से कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं है, जो कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको वो चीज़ नहीं करना चाहिए,
समझे?